हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये मोहन, और चलिए देते हैं कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो सकता है और कौन सा लेवल हम ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, कल जैसे मैंने दो ट्रेड आप लोगों को सजेस्ट किया था, एक तो हम लोग यहाँ पर 35,700 के लेवल में फ्यूचर बाइंग करके गए थे विथ हेजिंग 35,600 के पुट के साथ। इस लेवल में हमारा बाइंग था। अगर आप लोग ने ये ट्रेड लिया रहा होगा तो मॉर्निंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुकिंग करा दिया था आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में। अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए। तो अगर आप लोगों ने ट्रेड लिया रहा होगा तो लगभग 1400 से 1500 का प्रॉफिट मिला होगा आपको पर लॉट। मतलब 30,000 कैपिटल लगा के इतना प्रॉफिट इनफ है। अगर आपने 1,00,000 कैपिटल लगाया ठीक है ट्रेड में, तो लगभग 4,500 से 5,000 का प्रॉफिट बहुत हो जाता है। मुझे लगता है इतना प्रॉफिट इनफ है। इसके अलावा मैंने दूसरा ट्रेड सजेस्ट किया था आप लोगों को वीडियो में ही, कि जैसे ही 35,800 को ब्रेक करता है आप ATM कॉल बाई कर लीजिएगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि जैसे ब्रेकआउट आएगा इसमें स्पीड में मूवमेंट मिलेगा, तो 100 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट मिला। अगर आप लोगों ने ATM कॉल बाइंग किए होंगे तो लगभग 50 से 55 पॉइंट का स्पाइक मिला होगा ऑप्शन में। ये ट्रेड बहुत अच्छा होता है। जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो आपको मोमेंटम मिलना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में मोमेंट बहुत जरूरी है। अगर स्लो हो जाता है तो फिर आपका जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो मिलता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए जब मोमेंट फास्ट होने वाला हो, इसलिए मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया था। और जब भी फास्ट मोमेंट आने वाला होता है उसी टाइम मैं सजेस्ट करता हूँ। आई होप आप लोगों ने ट्रेड लिया रहा होगा तो अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। हिट द लाइक बटन, कमेंट कीजिए और कम से कम बताइए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब कल के लिए ट्रेड देखते हैं कहाँ पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, कल मंथली एक्सपायरी होगा तो नो डाउट कल थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट। मैं 15 मिनट के चार्ट में चलता हूँ। मैंने आपको सजेस्ट किया था दिन में कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो आपको इस लेवल के आसपास, मैंने लेवल बताया था आप लोगों को कि 35,500 से 35,400 के लेवल में बैंक निफ्टी में बाइंग आएगा, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखिए, ये सपोर्ट है तो जल्दी या फर्स्ट टाइम ही ब्रेक डाउन करेगा नहीं। अगर यहाँ आएगा तो नो डाउट यहाँ आएगा और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं कल के दिन पे, ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों मार्केट इस लेवल में ओपन होता है तो पहले 5 मिनट वेट कीजिए, एक बुलिश कैंडल बनना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। लेवल क्या होगा आपके लिए, 35,400 का लेवल, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनता है, थोड़ा नीचे ओपन हो जाए मार्केट, ठीक है, ऐसा हो सकता है, संभव है, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ क्लोज किया है। अगर यहाँ पर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल बुलिश बनता है, ओके, तो पहले कैंडल के ऊपर ही आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। और 35,400 से ज़्यादा का SL बनेगा नहीं, या पहले कैंडल का लो, ओके, दोनों में से जो बड़ा हो उसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको, ओके। और अपर साइड में ट्रेड आप देख सकते हैं इधर अगेन, मतलब अप साइड में 35,800 की तरफ हम लोग मूवमेंट देख सकते हैं। लेकिन ये लेवल ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा मार्केट फर्स्ट शॉट में। अगर फर्स्ट शॉट में यहाँ पर जाता भी है तो एक बार नीचे आएगा, फिर यहाँ पर इस तरीके से वॉलेटिलिटी क्रिएट करके अगेन सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट कर सकता है। लेकिन फर्स्ट हाफ में इस लेवल से ओपन होकर यहाँ ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा मार्केट। तो दोस्तों, ये हुआ बाइंग का ट्रेड। अब देखिए, अगर मान लीजिए दोस्तों कि मार्केट को इस लेवल को ब्रेक डाउन करना है तो इसका लेवल समझिए किस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकता है। दोस्तों, ये पॉइंट सपोर्ट है, फर्स्ट शॉट में ब्रेक डाउन होगा नहीं। अगर मार्केट इस लेवल में ओपन होता है 35,600-35,500 के आसपास ओपन होता है, फिर ये नीचे आएगा। अगर नीचे आके एक बार रिवर्स किया और अगेन नीचे आए, मतलब 3-4 कैंडल ऐसा बनेगा 5 मिनट के चार्ट में, ठीक है, फिर ये ब्रेक डाउन करेगा तो लोअर साइड में आपको यहाँ तक का गिरावट दिखा देगा। मतलब 35,250 के आसपास का लेवल आपको इमीजिएट देखने को मिल सकता है। अगर एक बार रिवर्स करके अगेन नीचे ब्रेक करता है इस लेवल के नीचे, मतलब डाउन साइड में 35,450 के बिलो, ओके, तब आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। 150 पॉइंट के आसपास का मोमेंट मिलना चाहिए। ऐसे कंडीशन में आप इमीजिएट पुट बाइंग कर सकते हैं 35,400 का, ठीक है। आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है, डाउन साइड में नजर रखिएगा। लेकिन मैं बहुत बड़ा गिरावट इससे ज्यादा नहीं देख रहा हूँ, ओके। ये हुआ हमारा शॉर्ट का ट्रेड। ऊपर से ओपन होके नीचे आए, फिर रिवर्स करके अगेन ब्रेक डाउन करे, तभी शॉर्ट होगा।
फर्स्ट शॉट में ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सपोर्ट का लेवल वर्क करेगा, यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ शॉर्ट और बाइंग का ट्रेड। अब दोस्तों देखिए दूसरा लेवल, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है मतलब 35,600, 700, 750 आसपास ओपन हो जाता है, इस भाव के आसपास ओपन हो जाता है, तब फिर मार्केट ना ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, इधर है वॉलिटिलिटी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में ट्रेड अवॉइड करेंगे, और कल के दिन पे स्ट्रगल बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि प्रीमियम बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो कल के दिन पे स्ट्रगल बनाएंगे नहीं, और आज भी मैंने स्ट्रगल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि दिन में न्यूज आ रहा था कि 1 बजे आसपास सीतारमन जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आईबी बढ़ता है। हालांकि आईबी बढ़ा नहीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ज्यादा हुआ नहीं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जब कोई इवेंट आने वाला होता है तो उस समय हम लोग स्ट्रगल पोजिशन नहीं बनाते हैं, मैक्सिमम टाइम उसमें हमें नुकसान होता है, तो हम लोग अवॉइड कर लिए। और कल प्रीमियम मिलेगा नहीं तो कल अवॉइड करेंगे अपन, ओके, अपर साइड में ट्रेड करने के लिए। हाँ, लोअर साइड से ऊपर जाए तो नो डाउट हमें बाइंग मिलेगा, अच्छा बाइंग मिलेगा, यहाँ पर आपको जरूर मॉर्निंग में ध्यान देना चाहिए, अच्छा बाइंग का लेवल हो सकता है। तो दोस्तों ये हुआ बैंक निफ्टी का लेवल। अब देखते हैं निफ्टी, जिसमें हम लोग कल ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का चार्ट देखे दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को कल सजेस्ट किया था निफ्टी में कि जैसे इस पॉइंट के ऊपर ब्रेकआउट आता है हम लोग बाइंग कर सकते हैं, थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, चांस शायद कम मिला होगा क्योंकि जैसे ओपन हुआ स्पीड में ऊपर चला गया। तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको सजेस्ट किया था, 5 मिनट के चार्ट में लेके चलूंगा आप लोगों को, और मैं बताना चाहूंगा जैसे मैंने कई वीडियो में आप लोगों को लास्ट टाइम बताया है दोस्तों, और कल भी मैंने सजेस्ट किया था कि जैसे लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेगा मार्केट, ठीक है, लाइफ टाइम हाई टेस्ट करेगा टॉप से गिरता है। मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है कि फर्स्ट टाइम हाई बनता है तब गिरता नहीं मार्केट, लेकिन सेकेंड टाइम हाई बनता है तो वहां से जरूर गिरता है एक बार, ठीक है। लाइव में थे हम लोग, लाइव में स्टूडेंट्स लोगों को मैंने सजेस्ट किया था यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए, स्पीड में नीचे गिरा, और जब मार्केट लाइफ टाइम हाई ब्रेक करता है तो बॉटम से गिरता नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर शॉर्ट करना है तो टॉप से शॉर्ट करिए, क्योंकि जिन लोग भी यहाँ पर शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे उनके पास स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, यहाँ पर शॉर्ट का पोजीशन बनाने में स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो मार्केट लोअर लेवल से गिरेगा नहीं। अगर दोस्तों अब निफ्टी के लेवल देखें कल के लिए, तो हम लोग कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, इसके लिए 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। तो डाउन साइड में अगर आप देखेंगे निफ्टी में, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट है ये पॉइंट, ठीक है, मतलब लोअर साइड में 16,590, ओके, और मार्केट क्लोज किया कहाँ किया है 16,635। ध्यान दीजिएगा जैसे मैंने अभी बैंक निफ्टी में लेवल्स बताया, ठीक उसी तरीके से पैटर्न यहाँ भी वर्क करेगा। अगेन 5 मिनट के चार्ट में आते हैं तो आपको चार्ट अच्छे से और समझ में आएगा, इस पॉइंट के आसपास हमें ध्यान देना है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है, आपको इसी लेवल से बाइंग करना चाहिए, अपर साइड का टारगेट 700 तक मिल सकता है, ठीक है। स्टॉप लॉस 25-30 पॉइंट का बनेगा, या जो कैंडल रहेगा बुलिश कैंडल रहेगा, उस बुलिश कैंडल का लो का एसिड बनना चाहिए, ठीक है। ये ट्रेड हुआ निफ्टी में। दूसरा कंडीशन, अगर दोस्तों मान लीजिए इस भाव के आसपास ओपन होता है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ही नीचे आएगा, आपको ध्यान देना है 16,590 का लेवल, ये फर्स्ट टाइम में ब्रेक डाउन होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट के जैसा वर्क करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा ये लेवल, ठीक है। अगर ये रिवर्स किया इधर, ठीक है, बिना बुलिश पैटर्न बनाए या फिर छोटे छोटे कैंडल बना के, अगेन वापस नीचे ब्रेक करेगा दोस्तों, और 590 के लेवल को ब्रेक करेगा, आप शॉर्ट कर सकते हैं, डाउन साइड का टारगेट आपको इधर मिल सकता है, ठीक है, मतलब 16,550 और 16,500 का लेवल भी ये दिखा सकता है। बट ट्रेड कैसा आना चाहिए, अगर यही पैटर्न बनेगा तो ट्रेड करेंगे, ओके, ये लेवल अच्छा हो सकता है, और जब नीचे आएगा फर्स्ट टाइम रिवर्स करेगा, रिवर्स का जो हाई बनेगा उसका एसएल या फिर मैक्सिमम एसएल बनेगा, शॉर्ट करना है 16,590 के बिलो, आपका एसएल रहना चाहिए 16,520-25 का एसएल रखिएगा, ये सॉरी 16,620-25 का एसएल रखिएगा, ये एसएल पर्याप्त होगा। अगर मार्केट को गिरना है तो आपको इसी एसएल में अच्छा ट्रेड देके जा सकता है। तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी का लेवल। अगर किसी कारण से गैप अप ओपन हो जाएगा तो ये भी वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, अगेन टॉप के पास जा सकता है, लाइफ टाइम हाई के पास जा सकता है, लाइफ टाइम हाई के आसपास हम लोग कोई बेयरिश कैंडल देखेंगे इस टाइप का, तो फिर हम लोग शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल। अब देखते हैं स्टॉक जिसमें हम कल ट्रेड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों HDFC बैंक, इस स्टॉक को नजर रखिए। देखिए एक बड़ा कैंडल आया यहाँ पर, न्यूज था, और टॉप से नीचे गिरा, फिर मार्केट टॉप के पास गया, यहाँ पर इनसाइड जैसा पैटर्न बनाया है। अगर आप इसका
15 मिनट के चार्ट देखेंगे या 5 मिनट का चार्ट देख लीजिएगा, तो टॉप में कंसोलिडेट हुआ है। जैसे ब्रेकआउट आएगा इसमें एक अच्छा मोमेंट हमें अपर साइड में देखने को मिल सकता है। हमें बाइंग करना चाहिए HDFC बैंक में 1560-61 के बीच अपर, ठीक है, एबव हम लोग बाइंग कर सकते हैं और इसका SL बनेगा 1550 का SL लगा के बाइंग कर सकते हैं। अपर साइड में 15-20 रुपए का मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये हुआ HDFC बैंक। नेक्स्ट देखिएगा HDFC लाइफ, ये आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया, मॉर्निंग में इतना स्पीड में ब्रेकआउट आया, मैं आप लोगों को अपडेट नहीं कर पाया, मैं इसमें ट्रेड लिया था, अच्छा प्रॉफिट देके गया है और इसमें BTSC ट्रेड मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया है, सेम पैटर्न जैसे मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी में बताया था कल। देखिए ब्रेकआउट वाला स्टॉक अक्सर जब ब्रेकआउट करके कंसोलिडेट होता है टॉप में, जैसे कल मैंने बजाज फाइनेंस में ट्रेड लिया था, ओके मॉर्निंग में ओपन हुआ और स्पीड में ऊपर गया। जब भी ब्रेकआउट वाला स्टॉक कंसोलिडेट होता है टॉप में और कंसोलिडेट होके नीचे आता है, ठीक है, ये अगले दिन इस लेवल में ओपन होता है, टॉप के पास ओपन होता है, ठीक है। हम लोग मॉर्निंग में भी ट्रेड कर सकते हैं और आप लोग इसे अगर BTSC ट्रेड लेके गए होंगे तब भी आपको अच्छा ट्रेड ये देखे जा सकता है। मैंने आप लोगों को इसे सजेस्ट किया है 687.50 के आसपास, मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया है, हाई के आसपास जाके क्लोज किया है। अगर एक कल मॉर्निंग में इसी लेवल के बीच में ओपन होता है तो 691 के ऊपर जैसे ब्रेकआउट आता है हम लोग इसमें बाइंग करके जा सकते हैं। फ्लो में मूवमेंट आएगा तो 700 के आसपास का टारगेट दिखा देगा, ठीक है। स्टॉप लॉस बनना चाहिए लोअर साइड का आपका इस लेवल का, मतलब 688 का SL बनेगा, 91 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। फ्लो में मूवमेंट आना चाहिए, अच्छा ट्रेड दिखा सकता है, 700 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए BTSD को भी और इंट्राडे में ट्रेड करेंगे उसे भी। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है बलरामपुर चीनी। देखिए इस स्टॉक में मैं शायद पहली बार ट्रेड दे रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन ब्रेकआउट के आसपास जाके क्लोज किया है, ठीक है, आसपास में ब्रेकआउट आया था, सेम पैटर्न इसने भी बनाया हुआ है। तो जैसे अपर साइड में ब्रेकआउट आएगा मॉर्निंग में आपको अच्छा ट्रेड दिखा सकता है, मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में लेके चलता हूँ, ठीक है। ऊपर में देखिए यहाँ पर काफी स्पाइक आया है, ठीक है, इस लेवल के आसपास। तो जैसे ये 371-372 के ऊपर निकलता है आपको अच्छा मोमेंट दिखा सकता है अपर साइड में, ठीक है। SL बनना चाहिए इस लेवल का, मतलब लोअर साइड में 368 का SL लगा के बाइंग कर सकते हैं और फ्लो में अप साइड में देखिए आसपास में इसका रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्ट ये 380-381 के आसपास का मोमेंट दिखा सकता है। डेली चार्ट में देखिए तो आपको इसका अपर साइड का लेवल पता चल जाएगा, देखिए ये आसपास में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्ट 385-386 के आसपास का हाई है, ओके। तो मोमेंटम अच्छा दिखा सकता है, ओके, नजर रखिएगा कल बलरामपुर चीनी में आपको एक अच्छा ट्रेड देके जा सकता है। दोस्तों चोला फाइनेंस, सेम पैटर्न जैसे मैंने HDFC बैंक में बताया आपको, सेम तरीके से आपको मूवमेंट दिखा सकता है। एक बड़ा मूवमेंट आया, फिर यहाँ पर छोटा सा कैंडल बना हुआ है। जब भी बड़े मूवमेंट के बाद दूसरे दिन चार्ट छोटा हो जाता है तो अगले दिन एक बड़ा मूवमेंट दिखाता है। अगर कल मूवमेंट नहीं आता है तब भी आप इसे वॉच लिस्ट में लगा के रखिएगा, दो दिन के बाद मूवमेंट आएगा, बट इसमें मूवमेंट आना चाहिए, ओके। और मूवमेंट आएगा तो आपको ट्रेड लेना चाहिए, आपको बाइंग करना चाहिए दोस्तों इस स्टॉक में 514-515 के एबव। जैसे इसके ऊपर निकलता है आप लोग इसमें बाइंग कर सकते हैं, टारगेट आपके लिए अच्छा मिलेगा अपर साइड में। टारगेट अप साइड में निकलेगा तो लगभग 525-30 के आसपास का मूवमेंट दिखा सकता है, ठीक है। तो इसमें SL बनेगा आपका 510 का, 1514 के ऊपर जैसे निकलता है आप इसमें फ्लो में मूवमेंट कर सकता है, आप बाइंग करके जा सकते हैं। अगर इसका मैं चार्ट छोटा कर दूं तो आपको लेवल दिखेगा अपर साइड में ए पॉइंट के आसपास रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब 525, इसके बाद अपर साइड में 530 तक का मूवमेंट इसमें देख सकते हैं, अच्छा ट्रेड मिल सकता है, नजर रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जो बैटरी, इस स्टॉक को देखिए तो आपको एक अच्छा ब्रेक डाउन करते हुए नजर आएगा। देखिए ए लेवल के पास सपोर्ट था, ठीक है, काफी बड़ा फॉल आया था, मैं कई बार अपने लड़कों को बोल रहा था कि यहाँ से अपर साइड में मूवमेंट करेगा लेकिन वापस आके नीचे ब्रेक कर रहा है, ठीक है। हमने इस लेवल में बाइंग का भी सजेस्ट किया था लेकिन इस पॉइंट के बिलो हमारा स्विंग का जो भी SL रहा होगा SL कट गया होगा, ध्यान दीजिएगा अब इसके नीचे शॉर्ट हो सकता है और एक कंटिन्यू शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं 674.50 के बिलो, जैसे ब्रेक करता है शॉर्ट कर सकते हैं। SL रखना चाहिए आपको 679 का और ट्रेड आपको डाउन साइड में कम से कम इसमें 10-12 रुपए का मूवमेंट मिल सकता है। अगर मॉर्निंग में ब्रेक डाउन करता है फ्लो में जाता है तो आपको और अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है, तो डाउन साइड में ये स्टॉक 650 की तरफ जाने वाला है, तो आपको अच्छा ट्रेड देके जा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में ही तक, आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।